यूपी के रायबरेली में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गरीब व ग्रामीण जनता को बेहतर इलाज देने के लिए अरबों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। जिले से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक स्वास्थ्य सुविधाएं देने का दावा किया जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सामुदायिक केंद्रों को संचालित करने के लिए चिकित्सक से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तैनाती की गई। उनके स्वास्थ्य केंद्र पर ही रहने के लिए आवासीय परिसर भी बनाए गए, लेकिन वो वहाँ रुकते नहीं और ना ही रोज स्वास्थ्य केंद्र पर जाते हैं, जिसकी वजह से आम ग्रामीणों को झोला छापों के भरोसे रहना पड़ता है। झोला छापों के इलाज की वजह से कई बार इन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, लेकिन फिर भी मजबूरी में ये उनके पास पहुंचते हैं। आज एक ऐसा ही मामला रायबरेली के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के कुर्मिया मऊ चौराहे पर उस समय देखने को मिला, जब एक मासूम का इलाज कराने के लिए उसके परिजन चौराहे पर मौजूद मेडिकल स्टोर पर पहुंचे, तो मेडिकल स्टोर संचालक ने बच्ची को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। ये देख वो उसे इलाज कराने के लिए बचरावा के लिए निकले, लेकिन बच्ची ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये सुनते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं मामले की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन संचालक मौके से नदारद था। जब डॉक्टर रिजवान से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन कट कर दिया। यूपी के रायबरेली से भारत टीवी के लिए राजकुमार की रिपोर्ट। भैया क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं यार? कल शाम को बुखार बिटिया के। किसके बुखार आया था? बिटिया के। क्या नाम था? संगीता। उम्र कितनी थी लगभग? 5-6 साल। तो कहाँ लाए थे इलाज के लिए? क्या थी? इलाज के लिए कहाँ लाए थे? कोई में बीजे डॉक्टर के यहाँ लाए थे। अच्छा, कुर्मिया मऊ में। हाँ। तो क्या हुआ बच्चे के साथ? खाली एक सुई लगाया बस, उसमें पता है क्या खत्म हो गई। स्पेयर हो गई लड़की? लड़की कहाँ, यहाँ पे स्पेयर हुई? यहीं पे। बच्ची कहाँ है इस समय? क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंकर। कहाँ रहते हैं? थाना कौन सा लगता है? थाना गुरुवर सर। जो आज एक लड़की स्पायर हुई है, इसका क्या नाम है? है? क्या नाम है लड़की? संगीता। कितने वर्ष की थी? 7 साल की। किस वजह से? कल शाम को जो है कि हल्का बुखार था जी, तो सुबह हम बोले कि ऐसा है कि बच्चा इलाज करा लो। कहाँ पर इलाज कराने? तो इलाज यहीं कुर्मिया मऊ में जो है। कौन से डॉक्टर? पीजे डॉक्टर। ये वहाँ से लाए तो बुखार नाप के उसके बाद में सुई लगा के दवा दिया, पलटी हो गई। और जब पलटी हो गई तुरंत बेहोश हो गई, बेहोश होते ही प्राण निकल गया। अब लड़की के कौन हैं? हम बाबा। उनके पिताजी का क्या नाम है? राम बाबू। किस गांव में रहते हैं आप? त्रिवेणीपुरवा में। फिर उसके बाद में वो लेके मार्शल किए डॉक्टर, लेके भागे बछरामा में। जब हम पहुँचे तो वहाँ देखा कि भर्ती कर दिए और लड़की के कुछ है नहीं। जब हम पहुँचे मेज के सामने ऐसे देखा, उसी वक्त जब हम बिगड़ गए विजय डॉक्टर ऊपर, तो विजय डॉक्टर थी, डॉक्टर से कह के निकलवाएं। निकलवाने के बाद 1 घंटा वहाँ बैठाए थे, तब ये गाड़ी भेजे। वहाँ हम कह रहे थे कि चलिए आप हमारे साथ, कहें कि चलो हम आ रहे हैं, गाड़ी को वहाँ तुमको भाड़ा नहीं देना है, गाड़ी ढील देना। कितनी बछरावा में क्या कंडीशन है, कुछ सूचना मिली भाई लड़की की? वापस लेके आ रहे हैं, लड़की खत्म हो चुकी। हो चुकी। मेरा नाम राज। लड़की क्या है आप? लड़की के मैं चाचा हूँ। चाचा। किस हॉस्पिटल लेके गए थे? अब ये नहीं मालूम किस हॉस्पिटल लेके गए थे, वही डॉक्टर जो विजय डॉक्टर वही लेके गए। अब वो वहाँ से छट गए, बोले मैं बाद में आऊँगा, और उन लोगों को भेज दिया। सराधिक मामला आया है थाना गुरुबख्शगंज कुर्मिया मऊ चौराहे का, जहाँ बताया जा रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही से 5 वर्षीय मासूम की जान चली गई। क्या है मामला सर? सर ये भी सुना ही पड़ा, ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जो लाइसेंसधारी हैं और बिना लाइसेंसधारी हैं, लगातार चल रहे हैं, इसकी सूचना लगातार आपको दी जा रही है। उसके बाद भी जो अवैध क्लिनिक हॉस्पिटल चल रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लगातार खीरो क्षेत्र में अगर देखा जाए तो लगातार, और ये प्रसदेपुर में लगातार इस तरह अवैध क्लिनिक चल रहे हैं, जो लगातार अदुगनी आमदनी के चक्कर में लगातार मौतें हो रही हैं। सर इस पे क्या एक्शन हो गया जो 5 वर्षीय मासूम की जान गई है, डॉक्टर विजय मौके से फरार हो गए हैं?